एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज की जो ये क्लास है ना, मतलब क्लास ही लगा लीजिए, ये थोड़ा सा एग्जाम को लेकर है, क्योंकि हमारे बच्चों के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। तो देखिए, तैयारी तो आपने पूरी की हुई है, पूरा आप लोग एकदम रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम टिप्स लेकर आई हूँ। एक्चुअल में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अपना टाइम मैनेजमेंट करना, अच्छे से पढ़ाई करना, रात को पढ़ाई करना, सुबह पढ़ाई करना, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें कि आपके 5 to 6 मार्क्स इंक्रीज हो जाए और आपकी अटेम्प्टेशन इतनी अच्छी हो कि एग्जामिनर कहीं पर भी आपके मार्क्स काटे ही ना, बेशक आपने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी हो। तो ऐसी क्या टिप्स लेकर आई हूँ मैं, चलिए वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम नेहा सैनी है, करंटली मैं अन अकेडमी पर पढ़ा रही हूँ। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ। मैं क्लास 12 तक पढ़ा चुकी हूँ, बीएससी के बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पढ़ा चुकी हूँ, और मैंने एयरफोर्स एंड नेवी के बच्चों को भी पढ़ाया है, क्योंकि मैं अन अकेडमी से पहले इंस्टीट्यूट में थी जहाँ पर हम लोग एयरफोर्स एंड नेवी के बच्चों को ट्रेन करते थे। सो इतनी मेरे को नॉलेज है कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप लोगों को अपने फाइनल एग्जाम्स में, अपना बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्टेशन अगर करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारे बच्चों के पास टाइम इतना है नहीं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें फोकस करनी है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास जो शीट होती है, जो जिसमें आपके पास आंसर शीट होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, उस शीट में ऑलरेडी इस तरह का मार्जिन आपको मिलेगा ऊपर की तरफ, और साइड में ऑलरेडी आपको मार्जिन मिलता है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सेकंड साइड भी एक मार्जिन देना है कुछ इस तरह से, और ये मार्जिन है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब ज्यादा, मतलब कम लिखने के चक्कर में ना इतना मार्जिन दे देते हैं। बेटा ये गलत है, अगर आप ऐसा करोगे ना एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक नेगेटिविटी आ जाएगी और आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको एक मार्जिन दे देना है। अब ये क्यों करते हैं, अब बच्चे कहेंगे ये तो हमें पता है क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये मार्जिन क्यों? तो मेरा बच्चा, जब आप कुछ भी चीज लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है, तो जब आप ये चीजें लिखते हो ना, तो एग्जामिनर जब आपको मार्क्स देता है तो उसको मार्क्स देने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है कि यहीं पे मार्क्स देगा, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ है, उसी पे एग्जामिनर आपको मार्क्स दे रहा है, तो कई बार आपका ये 2 है ना 1 काउंट हो जाता है जल्दी जल्दी में काउंटिंग में, है ना भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। तो इसका फायदा ये है कि जब भी आप कुछ ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर को जो मार्क्स देना होगा ना, वो आपके मार्क्स साइड में देगा, तो इसमें आपका फायदा है। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करें, और ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा अगर आप साइड में मार्जिन छोड़कर और तब लिखना शुरू करते हैं तो। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि मार्जिन आपको देना है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि जैसे कि ये तो आपको पता है कि हमारी शीट ऐसे रहेगी, ऐसे लाइन बनी हुई होती है हमारी शीट में, तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट वाली जो लाइन होगी उसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, और उस क्वेश्चन वाली लाइन को आपको खाली छोड़ देना, आपको आंसर नहीं निकला है, यस वहां पर आप आंसर नहीं लिखेंगे। सेकंड में आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 और यहाँ पे आप देंगे, और कभी भी ना वर्टिकल क्वेश्चन को ऐसे लिखना शुरू मत करो, हेडिंग दिया करो। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मुझे ओम्स लॉ लिखना है, तो मैं पहले यहाँ पे हेडिंग दूंगी ओम्स लॉ, आपकी जो भी हेडिंग है आप वो हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग देने के बाद आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से यहाँ से लिखना शुरू करिए, और जब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ना, तो आप नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे से लिखना शुरू करना, यहाँ से ये वाली लाइन आप बिल्कुल खाली छोड़ दोगे ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, तो ये वाली लाइन आप बिल्कुल क्या कर दोगे, छोड़ दोगे और अपना आंसर लिखना शुरू कर दोगे। आखिरी बात ये कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ होता है हमारा V=IR, तो हमेशा याद रखिए उस फॉर्मूले को लास्ट में हमेशा बॉक्स में ऐसे बंद करिए, उसे हाईलाइट जरूर करिए कि ये चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज के लिए आपको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं तो उसके अंडरलाइन करना ना भूलें, कोई भी पॉइंट हो, ऐसा भी मत करना कि सारे के सारे लाइन, मतलब आप अंडरलाइन कर रहे हो, पूरा का पूरा पेपर आपने अंडरलाइन से ही भर दिया, ऐसा मत करना, लेकिन मेन जो पॉइंट होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद जब भी आपका लास्ट में आपके पास रिजल्ट आ जाता है ना, उसको कभी भी खाली मत छोड़ो, और उसको ऐसे ही फिनिश मत करो, लास्ट में ये जरूर लिखो कि जो आपका आया है फॉर्मूला उसमें वैल्यू क्या है, वी क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आर क्या है, ये जरूर लिख के आओ, इससे आपका थोड़ी सी शीट भी भरेगी, पेज भी भरेगा, और अट्रैक्टिव भी लगेगा, और आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे।
तो इस ये तरीका है अटेम्प्ट करने का। अगर आपको और क्वेश्चंस के बारे में सीखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, या फिर आपको कुछ भी सीखना है पता करना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट 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 ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।